वो आप अपनी फैमिली को कॉल करके बोल दें कि आपको कल 12 बजे लेने आ जाए, आपकी छुट्टी हो जाएगी कल। मेरा फ़ोन कोई नहीं पिक करेगा, आप ही बता दें। लेकिन मैंने कॉल की थी। किसको? आपके हस्बैंड को। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके भाई को कॉल कर दूं। वैसे उन्होंने अपने किसी बंदे को भेज के अकाउंट्स में सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर मैंने आपके भाई को कॉल की तो उन्होंने बोला कि हमें कॉल करके बार बार परेशान मत करो, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो अब आप ही बताएं कि इसमें अस्पताल वाले क्या कर सकते हैं। आप जो कपड़े पहन कर आई थी वो भी सारे खराब हो चुके हैं। अब आप ही बताएं क्या हो सकता है, आपका तो कोई वारिस बनने कोई तैयार नहीं है। आप मुझे एक फेवर दे सकती हैं, कोई पुराना जोड़ा ला दीजिएगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं ला देती हूँ आपको। थैंक यू। ये लो, मिठाई खाओ। क्यों आई हैं? मिठाई तकसीम कर रही थी अपने बेटे के निकाह की। मुबारक हो। अफसोस तो हुआ होगा ना कि मेरे बेटे ने तुम्हें ठुकरा कर मेरी भतीजी से निकाह कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोड़ा उसने नहीं बल्कि मैंने उसे है। तो इसे ही कहते ना, लोमड़ी को अगर अंगूर नहीं मिले तो खट्टे। मैं जानती हूँ और ये मानती हूँ कि पहले आप लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था, मगर इस बार मैंने आपके बेटे को रिजेक्ट किया है। जानती हैं क्यों? क्योंकि आपने अपने बेटे को अपनी जिद और अपनी अना के हाथों बर्बाद कर दिया है। और जहां तक बात है आपकी भतीजी से शादी करने की, उसके लिए भी मैंने ही उसे आमादा किया है। बस अब मेरी दुआ है कि वो आपकी भतीजी के साथ अपना घर बसा ले, वरना आपने अपने बेटे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर औलाद पालना सीखनी है तो मेरी सास से जाके सीखिए। क्या तुम्हारी सास, जिसने पलटकर तुम्हें पूछा तक नहीं, और तुम्हारे शौहर की तो मैंने ऐसी तबीयत साफ की है वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो फिर ऐसे शौहर पर जिसे यही नहीं पता कि उसकी बीवी कहाँ मुंह काला करती फिर रही है। बस, मैं आपको इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं आपको अपने किरदार की पाकीज़गी की गवाही दूं, मगर आप देखेंगी और ये दुनिया भी देखेगी कि मैं अपने शौहर के घर में बस के दिखाऊंगी। मेरी ही नादानी से ये घर खराब हुआ है, अब मेरी ही कुर्बानी से ये घर सही होगा। आप जाएं यहाँ से, प्लीज चली जाइए। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अगर यही बात पहले समझ आ जाती तो ये दिन ही नहीं आता और हम भी जिल्लत से बच जाते।